इंट्रोडक्शन डिग्री कॉलेज भद्रवाह की टीम के साथ हैंडशेक आज की चीफ गेस्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट खामोशी से खड़े हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए बच्चों अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो कम से कम जोरदार तालियां। ये क्रिकेट में क्रिकेट जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, तेरी तरफ तो है भद्रवाह सारा जहान देखता है, सारा जहान देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आज के एंकर ऐसा लग रहा था कि हमें कौन बनेगा करोड़पति के इंचार्ज हैं यहाँ। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही कहूंगा जैसा इन्होंने कहा है, वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जेएनके के आउटरीच कार्यक्रम में हम चाहते हैं कि टैलेंट जो है ये गांव तक, इतनी टैलेंट है हमारे जम्मू कश्मीर में, उसको कैसे उजागर किया जाए। और ये वॉलीबॉल एसोसिएशन ऑफ जेएनके ने एक बेड़ा उठाया है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप हो, वहाँ से बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, स्टेट लेवल पे फंक्शंस हों और जो बच्चे हमारे टैलेंटेड बच्चे निकलें वो नेशनल लेवल पार्टिसिपेशन करें। वॉलीबॉल एसोसिएशन ने शहडोडा डिस्ट्रिक्ट में गंदोह में कार्यक्रम किए हैं, भद्रवाह में कार्यक्रम किए हैं, बरशाला, किश्तवाड़, रामबन, जो भी हमारा चनाब वैली का एरिया है, हम पिछले दो चार सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। मकसद यही है एक अपने युवा पीढ़ी को, उनकी जो एनर्जी है उनको ऊपर करना, उनकी एनर्जाइज करना। बैटरी का काम कर रहे हैं हम, चार्जिंग कर रहे हैं उनको। और दूसरा जो है सरकार की नीतियों कार्यक्रम, उनका मैसेज देना। मैसेज बहुत क्लियर है आज, राइटिंग ऑन द बॉल जो उन्होंने कह दिया है, सेव हेट ड्रग्स लव स्पोर्ट्स। आज उसी मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और डोडा में जो वॉलीबॉल का पोटेंशियल है, जो हमें अभी जानकारी मिली, शायद डोडा डिस्ट्रिक्ट की 12 टीमें, ये दो दिन का कार्यक्रम है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं सभी बच्चों का, इंचार्ज जो हैं, इंस्टीट्यूशंस के लोग हैं, एनजीओज हैं, स्पोर्ट्स लवर्स हैं, दूर दराज इलाकों से जो तशरीफ लाए हैं, चिंता, जई, गंदो जैसे बताया जा रहा था, मैं क्योंकि वॉलीबॉल गेम जो है इसमें क्रिकेट की तरह तो नहीं, हम रॉयल गेम नहीं मानते इसको, परंतु फिर भी एक जोश इस गेम में इतना है कि थ्रिलिंग गेम है। हॉकी, फुटबॉल में उसमें लगने की, कबड्डी में लग सकती है, वॉलीबॉल में अपने कोर्ट में ही खेलना है और छोटी सी ग्राउंड, एक बॉल और नेट की जरूरत है। हम जम्मू कश्मीर में बड़े गर्व से ये कह सकते हैं कि हमारे 5 या 6 लड़के आज इंटरनेशनल फील्ड पे नक्शे पे हैं और वॉलीबॉल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एक हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड है और पुंछ से बच्चे हैं, कश्मीर से बच्चे हैं और हम चाहते हैं क्यों नहीं हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट से हो। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं वॉलीबॉल एसोसिएशन का की तरफ से यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जो हमारे साथ रहते हैं, शाना बशान चलते हैं, और आज के मुख्य अतिथि जनाब विनोद शर्मा साहब एसपी भद्रवाह जो तशरीफ लाए इस कार्यक्रम में, हम की भी हौसला अफजाई करेंगे और आपकी भी हौसला अफजाई करेंगे, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। खुसूसी तौर पर भद्रवाह निवासियों की तरफ से, यंगस्टर की तरफ से, और यहाँ पर मैंने पहले अर्ज किया रवि ठाकुर सर रिटायर्ड एसडीएम जिनके साथ आए हूं, तो उनको ज्यादा तारीफ की जरूरत नहीं, वो तारीफ के ऑलरेडी हकदार होते हैं। यहाँ पर जुबैर वानी सर हैं हमारे, मैं एसोसिएशन के हमारे जो सीओ सर हैं और जनरल सेक्रेटरी सर, 60 ईयर्स ओल्ड हैं और अपने एक इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं और बेहतरीन तरीके से इनकी टीम यहाँ पे खड़ी है और उनको गाइड भी करते हैं। जोरदार तालियां जुबैर सर के लिए भी। तो अब मैं जिस हस्ती को दावत देने जा रहा हूं, सीओ सर ने उनको कहा कि 2 मिनट के लिए आपको बोलना पड़ेगा, तो
तो सीओ सर और जनरल सेक्रेटरी सर, मैं जरूर कहना चाहूंगा, कोई इसमें साइको फैंसी नहीं, हमारे एसपी सर हो या एसएचओ सर, एक आदमी अपने कार्य से बड़ा बनता है, अपनी जात या धर्म से नहीं, दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, ये खुशबू के मुसाफिर हैं, सारा जहां महका देते हैं। एसपी भद्रवा विनोद जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स, हमारे स्पोर्ट्समैन आए हैं इनको, और शुक्रिया सर। मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि आज का जो दिन की शुरुआत आपने की है हमारी, और एक अच्छी शुरुआत है। ये सबसे बड़ी बात कि हमें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बुलाया, और इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे पे बुलाया जहाँ पे हर कोई आना चाहता है। सर, हम चाहते हैं कि जहाँ जो काम पुलिस के आज की डेट में ड्रग्स के अगेंस्ट काम करें और लड़कों को अच्छे से चैनलाइज करें उनकी एनर्जी को, वो काम आप भी कर रहे हैं, और आप जैसे ही कुछ शख्सियत हैं जो डेडिकेटेड हैं। सर, मैं देख रहा हूँ आप सारे, आप एक तरह से हमें मोटिवेट कर रहे हैं। एक तरह से मैं ये सोच रहा हूँ कि हम आज की डेट में जो भी जॉब कर रहे हैं, पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर सर्टन टाइम हम किस तरह से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करेंगे, ये आप हमें एक तरह से एग्जांपल दे रहे हो, हमें मोटिवेट कर रहे हो। तो हम भी ये सोचेंगे कि अगर हमें भी कोई ऐसा काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली हम जाएंगे। स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्समैन जितने भी आप यहाँ पे हैं, आप बहुत किस्मत वाले हैं